Hi everyone, this is Anisha. Welcome or welcome back to my channel. Today I will be sharing how I created this beautiful glamorous look for Valentine's date night. I will be sharing all the product details and everything with you all. But before that, please do subscribe to my channel, hit on the bell icon, and please do follow me on Instagram for regular updates. And also I got my new nails done because it's Valentine's, it's love season. So yeah, मैंने पिंक क्रोम करवाए और यहाँ इस वाली फिंगर पर मैंने दोनों हाथ की इस वाली रिंग फिंगर पर मैंने बो बनवाया. बड़ा ही क्यूट लग रहा है ये. मैं एक पिक्चर यहाँ पर लगा दूंगी, आपको दिख जाएगा. ऑल्सो आई थिंक लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स बिगिन विद द मेकअप ट्यूटोरियल. Let's start with a clean and moisturized face. So for that I'm using Prosh Silk Blur Moisturizing Primer. It's a primer but it's also works as a moisturizer. So I'm taking a good amount of this primer and I'm applying it as a moisturizer on my face. Do you see how plumped my skin is looking and how much healthy this glow looks? And now because मुझे एक glowy base look चाहिए तो और ये date night look है तो मैं चाहती हूँ कि मैं ही चमकती रहूँ. तो उसके लिए मैं करूँगी इबा का ये स्ट्रोब ग्लो क्रीम यूज. और ये एक illuminating क्रीम है, illuminating primer है ये भी. बट मैं दो दो primer इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि वो एक moisturizing primer था तो उसमें एक moisturizer के लिए भी काम किया. और ये मैं इतना सा ही ले रही हूँ, नॉट मच, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज्ड है. सो आई वॉन्ट कि इसको मैं, ये काफी अच्छा फॉर्मुलेशन है, काफी हल्का फॉर्मुलेशन है, लाइट वेट है. आई जस्ट वॉन्ट कि इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पर लगा रही हूँ और वहीं पर मेरे को एक अच्छा सा ग्लो मिल जाएगा जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोई हो जाएगी. अगला स्टेप जो है उसमें मैं फाउंडेशन यूज करूंगी, बट मैं कोई ऐसे ही फाउंडेशन नहीं यूज कर रही हूँ. आई एम यूजिंग मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन. इट हैज विटामिन सी और ये और भी ज्यादा ग्लोई मेकअप जो मैं कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ आज, उसमें हेल्प करेगा. सो यूज अ लाइट वेट फाउंडेशन और आप एक टिंटेड मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं. मैंने एक्चुअली फिंगर में ही लिया है इसको और देखो मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, बट मैं इसको डॉट डॉट करके ही लगाऊंगी ताकि पूरे स्किन पर थोड़ा सा जो मेरे अभी मार्क्स वगैरह हैं फेस पर वो कवर हो जाएंगे इससे. और ये बहुत ही अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है ये. और ब्रश की हेल्प से, ये एक फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, ये मार्स कॉस्मेटिक्स का ब्रश है. सारे प्रोडक्ट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो नो वरीज अबाउट दैट. तो मैं इस फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से अपना फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. ये काफ़ी लाइट वेट फाउंडेशन है तो ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है स्किन में. सो जिस लुक के लिए मैं जा रही हूं ना, एक ग्लोई डेट नाइट मेकअप लुक मिल जाए मुझे, तो वो मुझे इस फाउंडेशन से अचीव हो जाएगा. उसके बाद मैं यूज करूंगी कंसीलर एंड हेयर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर. सबके नाम, प्रोडक्ट के नाम और शेड सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पर कहीं मिल जाएगा. मैं इसको इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि जितने भी मेरे एक्ने स्कार्स हैं या ब्लेमिशेस हैं वो सब के सब इससे छुप जाए और एक मेरे फेस को एक अच्छा सा ग्लो मिल जाए, एक हाईलाइट मिल जाए मेरे फेस को. इसीलिए मैं इसको सब जगह यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अंडर आइज पे यूज़ कर रहा हूँ. जो जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं ना वहाँ यूज़ कर रही हूँ और बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ब्लेंडेबल कंसीलर है. काफ़ी अच्छी, मतलब मुझे बिल्डेबल कवरेज दे देता है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. और जो भी मुझे थोड़ी बहुत कवरेज चाहिए वो इस कंसीलर से मुझे मिल जाएगी. अगला स्टेप मैं करूँगी ब्रॉन्जर और ब्रॉन्जर के लिए आई एम यूजिंग रिमेल लंडन का ये नेचुरल ब्रॉन्जर. और ये जो शेड है वो है सनलाइट. तो ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल ब्रॉन्जर है और मतलब काफ़ी अच्छा कलर पिगमेंट है इसका. इसका जो अंडरटोन है ना वो वार्म है और बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है इंडियन स्किन टोन्स को. और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को शेप देने के लिए ताकि एक मेरे फेस को चिजेल्ड लुक मिल जाए. सो आई एम यूजिंग इट राइट हियर एंड ऑन माय जॉ लाइन. और मैं हल्का सा इसको अपने फॉरहेड पर भी यूज़ करूँगी बट ओनली ऑन दिस पार्ट बिकॉज मेरा फॉरहेड इतना बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है यहाँ से. सो आई एम जस्ट यूजिंग राइट हियर एंड या आई एम ऑल्सो अप्लाइंग इट ऑन दिस पार्ट
तो जितना भी जो डबल चिन वगैरह है वो सब यहाँ पे छुप जाएगा. नेक्स्ट आई एम गोइंग इन फॉर ब्लश, बट ब्लश के लिए ना आज मैं यूज कर रही हूँ ये टिप्सी ब्यूटी का लिप एंड चीक ऑयल. दिस इज अ शेड शिफ्टर लिप एंड चीक ऑयल और ये एक बहुत ही ग्लोई सा मतलब टच दे देता है पूरे स्किन को. और अभी मैं पहले चीक्स पर इसको यूज करूंगी, अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी इसको. आप देखोगे बहुत ही अच्छा ग्लोई स्किन इफेक्ट दे रहा है ये. सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज लुकिंग, लव इट. नाउ आई विल ऑल्सो ब्लेंड दिस साइड एंड लुक एट दिस. आई टोटली इन लव विद दिस लिप ऑयल एंड थोड़ा सा मैं अपने नोज पर भी लगा रही हूँ सो दैट मेरे नोज को भी इतना ग्लोई सा इफेक्ट मिल जाए. बट ऑल्सो आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा जो ब्लश है वो हिले ना, सो उसके लिए आई विल ऑल्सो यूज अ पाउडर्ड ब्लश. तो मैं उसके लिए यूज कर रही हूँ ये मिलानी का ब्लश जो कि रोज पाउडर ब्लश है एंड दिस इज लिटरली सो क्यूट. ये ब्लश का शेड थोड़ा ऐसे रोजी पिंकी सा है तो थोड़ा सा पीजी एंड पिंक थोड़ा मिक्स है तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है इंडियन स्किन टोन्स को. ऑल्सो ये वाले ब्लश में ना बहुत ही छोटे छोटे से स्पार्कल्स वाले पार्टिकल्स हैं तो ये बहुत ही अच्छा सा ग्लोई सा इफेक्ट दे देता है स्किन को. एंड बिल्कुल भी हाइलाइटर यूज करने की ना जरूरत है नहीं इसके बाद. और वैसे भी मैं कहूंगी कि हाइलाइटर का ना जमाना गया. ऑनेस्टली मैं बहुत ही कम लोगों को देखती हूँ हाइलाइटर यूज करते हुए. जो आजकल ट्रेंड है ना उसमें नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं बहुत ही नेचुरल लुकिंग बेस करना, नेचुरल लुकिंग प्रोडक्ट्स यूज करना, क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करना ताकि वो विद इन ग्लो मिल जाए एज कंपेयर टू हाइलाइटर. जो हाइलाइटर को ऊपर से ग्लो मिलता है वो नहीं चाहिए आजकल. नाउ इट्स टाइम फॉर माई आई मेकअप, बट बिफोर दैट आई हैव टू सेट माई क्रीजेस जो भी कंसीलर की क्रीजेस आई है. और उसके बाद आई एम टेकिंग दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर. आई एम यूजिंग एबा मस्ट हैव ट्रांसलूसेंट पाउडर और इसको मैं एक्चुअली इसका पफ नहीं यूज कर रही हूँ मैं. आई विल बी यूजिंग दिस प्रॉश ब्यूटी का पफ, ये मुझे बहुत पसंद है. और आई एम टेकिंग थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड देन आई एम जस्ट टैपिंग ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट राइट हेयर एंड देन आई एम जस्ट गोइंग इन लाइक दिस. आई विल प्रेस इट और मैं बेकिंग नहीं करूँगी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है अभी. And I will set my eyelids and my under eyes both. So next I'm using a brow kit. This is the situation of my eyebrow kit and this is from Wet n Wild. अगर मुझे मिलेगी तो मैं पक्का लिंक कर दूंगी. But I have been using this from a while now and I love it. So I will just you know comb my brow hair with this spoolie brush. छोटा सा brush इसी के साथ आता है और इसी को मैं use इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना sharp है इसका जो छोटा सा brush है तो ये बहुत ही perfect होता है. And I will quickly fill in the gap and do this. Okay, so eyebrows are done. And now I will do my eye makeup. For that I will tell you to take a neutral palette जिसमें browns हो, blacks हो और थोड़ा सा rose gold वगैरह color हो तो better होगा. ये मेरी सबसे पुरानी eye shadow palette है और मैं बहुत ज़्यादा use कर चुकी हूँ इसको. इसकी हालत भी थोड़ी खस्ता हो रखी है, टूट चुकी है मेरे से. I'm taking this small fluffier brush and I'm taking this brown shade और इसको जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको झाड़ देंगे. मैं ना सबसे पहले अपने पूरे के पूरे आईलिड पर ये वाला ब्राउन शेड अच्छे से लगा रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद हेल्प ऑफ दिस ब्रश. नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ डार्कर ब्राउन शेड और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है सो मैं इसको बहुत ही थोड़ा सा लेकर और पूरा का पूरा झाड़ने वाली हूँ. और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी टैप कर रही हूँ अपनी स्किन पर ताकि पूरा का पूरा पिगमेंट जो है वो मेरी आईज पर ना आए. एंड आई एम पुटिंग इट राइट हेयर, इधर यहाँ कॉर्नर में, आउटर कॉर्नर में.
बहुत ही हल्के हल्के हाथ से अपना पूरा टाइम लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड करना है. एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस अनदर पैलेट, दिस इज फ्रॉम फॉरएवर 52 और इसमें से मैं ये पूरा का पूरा पैलेट इतना प्रिटी है, इतना ज्यादा सुंदर पिंक शेड्स है ना इसमें कि बहुत ही अच्छे अच्छे लुक्स इससे क्रिएट हो सकते हैं. और मैं इसमें यूज करने वाली हूँ एक पिंक शेड इसमें से, और मैं एक ऐसे ये पेंसिल ब्रश ले लूंगी, ऐसे स्मॉल पेंसिल ब्रश, एंड देन आई एम टेकिंग नाइस ब्राइट पिंक शेड. तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ इसमें से, पैशन. ये पिंक शेड को मैं अपने यहाँ जो ये कॉर्नर है ना, इनर कॉर्नर, वहां लगाऊंगी टैप डैप करके. नाउ आई विल टेक द सेम ब्रश विदाउट एनी प्रोडक्ट. ये वो वाला ब्रश है जिससे मैंने लाइट ब्राउन कलर लगाया था पूरे आईलिड्स पर, और उसकी हेल्प से मैं ऐसे करके और इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी और कोई हार्श लाइंस ना दिखे. और अब मैं ले रही हूँ एक शिमर शेड इस सेम पैलेट में से, जो कि बहुत ही ड्रीमी सा शिमर, ऐसे क्रोम वाला जो कलर होता है ना वो है. ठीक है, मैं इसको फिंगर में लूंगी और इसी पिंक शेड के ऊपर मैं इस शेड को यहाँ पर प्रेस करके लगा रही हूँ. ठीक है, और मैं अपने सेंटर में भी लगा रही हूँ, आईलिड्स के सेंटर में, एंड अपने फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि वो ऐसा लगे कि पूरे आईज पर फैला हुआ है. नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्रश और जो लाइट ब्राउन शेड था और थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड, दोनों को मिक्स करके और अच्छे से टैप ऑफ करेंगे प्रोडक्ट को. इसको मैं लगाऊंगी अपने लोअर लैश लाइन पे ऐसे और अच्छे से ब्लेंड करूंगी. मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का आईलाइनर, ये ब्लैक कलर है, इट्स अ लिक्विड आईलाइनर, और मैं इसमें बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा विंग क्रिएट करेंगे. एंड नाउ आई एम कर्लिंग माय लैशेस और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी मस्कारा. और मस्कारा के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ ये मार्स कॉस्मेटिक्स का डबल ट्रबल मस्कारा, जिसमें एक है लेंथनिंग मस्कारा और एक है वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा. तो पहले हम लेंथनिंग मस्कारा यूज करेंगे. इट्स अ वेरी गुड मस्कारा दो, मुझे काफी पसंद है इसको यूज करना. बस मैं इतना ही यूज करूंगी लेंथनिंग मस्कारा, और उसके बाद मैं यूज करूंगी एक वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा जो इसी में है, ताकि मेरी लैशेस को अच्छी वॉल्यूम मिल जाए. वाओ, आई लव इट. और वॉल्यूम मस्कारा, वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा को मैं लोअर लैश लाइन पे भी यूज कर रही हूँ. और ये है मेरा कंप्लीट आई मेकअप. अभी मैं इस वाली आई का भी मेकअप कर आती हूँ और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. नाउ दैट माई आई मेकअप इज ऑल्सो डन, इट्स नाउ टाइम फॉर माई लिप्स. और लिप्स के लिए मैं यूज करूंगी ये मार्स कॉस्मेटिक्स का ब्राउन कलर का लिप लाइनर पहले. तो मार्स कॉस्मेटिक्स के लिप लाइनर्स काफी अच्छे हैं, काफी अफोर्डेबल है. देन आई एम यूजिंग दिस इबा कॉस्मेटिक्स का मैक्स मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड पर्की पिंक. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इन द कैमरा, बट इट्स पर्की पिंक एंड आई लव दीज लिक्विड लिपस्टिक्स, दे आर सो गुड. वाओ, लुक एट द कलर. Now that my liquid lipstick has dried, I will use this Tipsy Beauty Lip and Cheek Oil again on my lips this time. So it also gives a little color. Yeah, that's it. क्योंकि आजकल जमाना है glosses का, तो इसीलिए to give my lips a little glossy effect, but very beautiful as well. So yeah, that's all. And now last May I will set my makeup with this Iba must have makeup setting spray. So मैं इसको shake करूंगी और
जैसा कि मैं चाहती थी कि मेरा मेकअप लुक जो है वो ग्लैमरस तो हो, लेकिन ऑल्सो ऐसा लगे कि मैंने मेकअप ज़्यादा किया ही नहीं है, स्पेशली मेरा जो बेस मेकअप है वो। तो मैंने अपना बेस मेकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रखा है, काफ़ी ग्लोई रखा है, बट ऑल्सो मैंने अपने आईज़ को जो है वो बहुत ही अच्छा ग्लैमरस लुक दिया है, एंड ऑल्सो लिप्स को भी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, एंड आई होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग। ऑल्सो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने आज यूज़ किए हैं, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो इन केस यू नीड एनीथिंग यू कैन चेक देम आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।